तबाह हो जाएंगे, जिंदगियां जेल में कटेंगी। साथियों मैं बात ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पदाधिकारी जानते हैं कि इस आंदोलन के लिए मैंने 10 दिन जेल में काटे हैं। जेल क्या होती है उसका अनुभव किया है मैंने। साथियों यही कहना चाहूंगा कि किसी को भी वो दिन ऊपर वाला न दे कि जेल जाना पड़े, क्योंकि जब PIP लोग जाते हैं, जब PIP लोग जाते हैं तो उनकी सुविधा तो गलत होती है साथियों। लेकिन हम लोग PIP लोग नहीं है, हाँ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश से, तो एक अलग बात है क्या वो कोई ला सकते हैं। साथियों मैं माफी चाहूंगा, बस 2 मिनट का समय हुआ, क्योंकि जेटली जी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, यदि आपने चल इन पीड़ितों के लिए कोई फैसला नहीं किया तो 2000 रुपए जिस कोर्स की चाबी आपके पास है हम दिल्ली आकर वो ले लेंगे। मंच सजने जा रहा है, अभी तक हमने मंच की ओर ध्यान ही नहीं दिया है और हमारे पदाधिकारी मंच पर आ चुके हैं। साथियों हमें उन पदाधिकारियों को भी सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़नी है साथियों, जो आपके पैसे को चलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लोटा कमेटी देंगे, अभी हमें ये तो बताया कि हमें पैसा देगा कौन, और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और हर घर में हर लोग परेशान है, पूरे भारत में लगभग इसके 6 करोड़ निवेशक है। मेरा नाम इमराज मलाकर, अजमेर राजस्थान से आया हूँ। हमें फोन का टुकड़ा दिया, वो भी हम लाए हैं, कल उनकी फोटोकॉपी सारी इकट्ठी हुई है, अभी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसमें लाखों की संख्या में बॉन्ड आए हुए हैं, मैंने खुद का निवेश है, कम से कम 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3 बार हम मांग चुके हैं लेकिन किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कभी कहते हैं तो हमने लोडा कमेटी बनाई है, वो लोडा कमेटी जमीन भी बेच के पैसा देगी, सुनाई में दे रहा है कि कंपनी की सारी जो जमीनें हैं प्रॉपर्टी है वो SEBI ने CBI ने ले ली है, वो उनको बेच रहे हैं, लेकिन हमें यह तो बताएं कि हमारे पैसे का जिम्मेदार कौन है, हमें पैसा कौन देंगे। पहचती है बिल्कुल 28 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री CM वसुंधरा राजे को ज्ञापन दिया, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन 1.5 साल निकल जाने के बाद भी हमें न तो कोई कार्रवाई की जानकारी दी है, न पैसा मिलने की कोई जानकारी दी है, और लाखों लोग परेशान है कि किसी के घर पे लोग धरना दे रहे हैं, कस्टमर परेशान कर रहे हैं, और हमारा पैसा है, हम पैसा लेके रहेंगे, वरना यह अनिश्चितकालीन यहाँ धरना होगा, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, ये सरकार हमारी सुने। जब किसानों का यह कर्जा माफ कर सकती है तो हमारे जमा हुआ पूंजी हमें क्यों नहीं मिल रही है? गरीब किसानों से ले, हमारे रिश्तेदार से लाए, हमारे जितने मिलने वाले थे उनसे ले लिया, आज हमारा जीना दूभर हो गया है। हम मकराना से आए हैं, अजमेर जिला के पास में है मकराना, नागौर जिला में, तो मैं वहाँ से आया हूँ, और पैसे के लिए हम 4 साल से तड़प रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, अगर पैसा नहीं मिला तो हम यहीं घुट घुट के मर जाएंगे, क्योंकि हमारा गाँव में जीना दूभर हो गया है। हमारे रिश्तेदारों के पैसे दे, दूसरा कोई देता नहीं है, हमारे रिश्तेदारों के पैसे दे, रिश्तेदारों से पैसा ले ले के हम घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, बाहर निकलते हैं तो रिश्तेदार पैसे मांगते हैं, घर वाले पैसे मांगते हैं, हमारे चारों तरफ पैसे 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 हो रखा है, और ये क्या है कि जितने भी पैसे थे ये सब किसानों के पैसे थे, क्योंकि व्यापार जो व्यापारी है वो इसमें पैसा लगाया नहीं, और जो गरीब आदमी थे किसान थे वो उन्होंने पैसा लगा, 70% ग्रामीण का पैसा। इसका रजिस्ट्रेशन जो है कार्यालय जयपुर में है, और इस कंपनी को गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, और इसको SEBI में जब इसका केस चला तब राजस्थान हाईकोर्ट का यह केस जीती हुई है, और राजस्थान का हाईकोर्ट ने इस PSL इंडिया लिमिटेड के पक्ष में फैसला दिया है कि ये जमीन का कारोबार करती है, इसमें जमा कराने वाले पैसे जो ग्राहक है उनको कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें जमीन की बड़ी कीमत दी जाती है, रोक दिया जाता है। उसी विश्वास के आधार पर जो राजस्थान हाईकोर्ट का केस लगा था उसको विश्वास के आधार हमने पैसा जमा कराते गए, हमारे मिलने वाले का कराया, हमारा कराया, लेकिन आज
दो साल कितने लोगों ने इसमें पैसा जमा कराया? 5 करोड़ 85 लाख लोगों सॉरी करोड़ लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। 5 करोड़ 85 लाख लगभग। हाँ जी, तो टोटल इनकम टोटल कितना पैसा हो गया? वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इसको इसका माना जाए घोटाला माना जाए तो ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का घोटाला है, जिसमें 6 करोड़ गरीब लोग और एक व्यक्ति के बाद पीछे एक रह के पीछे 5 व्यक्ति अगर प्रभावित हो रहे हैं तो ये पूरे भारत का लगभग 35 करोड़ लोगों का जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये छोटा मुद्दा नहीं है। आपको 5% 2% कमीशन मिलेगा, आप जिसमें काम करो और रियल एस्टेट का काम है जे, और जिसमें 3-6 साल में दूना हो जाएगा, बैंकों में क्या मिलेगा, LIC में क्या मिलेगा, और सा लड़की की शादी है उसकी लड़की की बच्ची की शादी 6-7 साल पीछे उनका पैसा इकट्ठा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ऐसे हमको बहका भूखे थे हमें जी शादी है। 200 करीब ग्राम थे, 60 लाख रुपये कमेटी को कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, RM लोढ़ा जब्त कर दिया है, आपका पैसा मिल जाएगा। 3 साल से अब जंतर मंत्र को चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं मिल रही है, ना कोई शांतिपुर कोई जवाब मिल रहा है, कब तक पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई ऐसा जवाब संतुलित नहीं मिल रहा है। तो गरीब निवेशक जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके और इस कंपनी में जमा करवाया था खुद का पैसा, वो आपकी वापस नहीं दे रहे हैं। और कंपनी के पास जब कहने को ये 29,000 से ज्यादा प्रॉपर्टियां बताते हैं और न उनको नीलाम करते हैं, और इन जो बड़े बड़े जो राजनेता हैं इनकी कंपनी के जो प्रॉपर्टी है उसको डकाने की नीयत हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। मेरा नाम सर मीना, हिमाचल से। आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल से सर। हिमाचल से आपको यहाँ आने का क्या तात्पर्य, क्यों आए आप? सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें मरने तक की मजबूरी आ गई है, हमारे घरों में जो भी जो पढ़ाई है जैसे शादियां हैं कुछ भी मतलब फंक्शन है, हम बिन पैसे के कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो पहले ही नोटबंदी लग चुकी है, उसके बावजूद हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिससे हम अपने गुजारा कर सकें, अपने रिश्तेदारी निभा सकें, और खासकर हम अपने रिश्तेदारी में अपने जो रिलेशन थे उनमें हम जाने काबिल नहीं है। क्यों जाने काबिल नहीं है? क्योंकि हमने उनसे पैसा लिया है लोगों का और अपने रिश्तेदारी को खराब करके रखा है, हम उनके आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हुए हैं। तो आपने पैसे और रिश्तेदार को किस लिए लिया है? आपने कोई काम करने के लिए किस लिए? रोज अपना रोजगार समझ के वो पैसा लिया हुआ था। किसके लिए? अपना रोजगार समझ के, जैसे हमने अपना जो पर्सनली खर्च करते थे उसके लिए जो हम रोजगार इकट्ठा कर रहे थे उसके पर कंपनी से पैसे लेते थे, और हमने जो पैसा कमाया फिर जितना हमें प्रॉफिट होता उसी में लगा दिया, आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेरा नाम दर्शना है और मैं हिमाचल से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से आई हूँ। और सर हमने जो है PSL में अपना पैसा लगाया है, हमने ये समझ के लगाया, उन्होंने हमारे को बोला कि आप जो आपको जो है वो 12% के हिसाब से जो है हम इंटरेस्ट देंगे, बैंकों में कम रेट है इसलिए हमने वहाँ पैसा लगाया, चलो हमारा पैसा बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला जब हमारी मैच्योरिटी हुई तो हमारे को आज तक कोई पैसा नहीं मिला, 2 साल हो गए हमारे को इंतजार करते करते, लेकिन कोई पैसा नहीं। बोलते आज मिलेगा कल मिलेगा, जब हम ये करते हैं तो आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। सर हम अपने बाल बच्चों को छोड़ के अपने घर पशुओं को छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ बैठे हैं भूखे, पैसे जो भी हमारे यहाँ कोई नहीं है, कभी इतना पैसा दे के हम यहाँ आए हैं और पैसा भी हमने लोगों से उधार लेके यहाँ पहुँचे हैं। आपने जो PSL में जो पैसा लगाया ये आपने अपनी तरफ से लगाया है कि आपको कोई समझाने आया था कि आपको बैंक से ज़्यादा पैसा देंगे? सर PSL के एजेंट हैं, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला कि आपको ज़्यादा कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है और आपका पैसा सेफ है और आपको मैच्योरिटी भी आज तक मतलब कंपनी जो 83 से काम कर रही है लेकिन आज तक किसी का पैसा जो है कंपनी नहीं खाया है, पूरे समय में मैच्योरिटी के टाइम में पूरा पैसा दिया है लोगों को, तब कर उस विश्वास से हमने अपना पैसा कंपनी में लगाया। लेकिन आपने उसमें पैसा लगाया था तो पैसा लगाने के बाद उस कंपनी ने आपको क्या दिया? उस कंपनी ने हमारे को पॉलिसी बॉन्ड दिया है जो हमारे पास है। हाँ जी, और जो हम हर महीने की जो जो प्लान करते थे जो प्लान देते थे उसकी हमें हमारे पास रसीदे हैं और रसीदे हमारे को हर महीने देते थे, और वो जो पॉलिसी बॉन्ड है भाई इसको संभाल के रखना और जब आपका 5.5 साल हो जाएगी तो आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज 2 साल एक्स्ट्रा हो गई हमारे को कोई पैसा नहीं मिला।
आप कुछ कह रहे थे? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला से हूँ, मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर मेरे पास अभिकर्ता है समझाने के लिए, ऐसा ऐसा है, PACL कंपनी है दिल्ली में, उनका ऑफिस है करके, तो अपने घर से हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। आपको किसने समझाया कि दिल्ली के अंदर एक कंपनी का ऑफिस है? हमारे तरफ अभिकर्ता है, हमारे तरफ अभिकर्ता है, एजेंट है, उसने समझाया, उसने अपना पूरा डाटा दिखाया कि ऐसा ऐसा है, दिल्ली में इनका ऑफिस है और 1983 से चल रही है, हम छत्तीसगढ़ से है, वहाँ रायपुर है, रायपुर संभाग है, वहाँ कलेक्ट्रेट के सामने इसका ऑफिस है। हमें पूरा उनका चार्ट देख के अच्छा लगा तो डाल दिया और लगातार मैच्योरिटी मिल रही करके बताए। और हम यहाँ आज मोदी जी से पूछने आए हैं, जंतर मंतर में पूछने आए हैं कि हमारा पैसा कब वापस होगा। हम दर दर भटक रहे हैं पैसा के लिए, परिवार में विवाद हो रहा है और हम अकेले नहीं हैं, हम 1000 व्यक्ति आए हैं अपने छत्तीसगढ़ से, 4 रोज हो गए हैं, यहाँ भी बहुत तकलीफ में हैं हम। मोदी जी ने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से इस कंपनी के अंदर पैसा लगाएं? नहीं सर, शासन के अथॉरिटी मिला तभी तो ये कंपनियां चल रही थी, शासन के द्वारा अथॉरिटी मिला था तभी ये कंपनियां चल रही थी। हालांकि हम कस्टमर है लेकिन हम समझते हैं, ये बात नहीं समझते, ऐसी बातें नहीं है। मोदी जी सारे काम घर-घर में करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन थोड़े कंपनी काम कर रही थी। हमारे पास तो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया था, 2-3 साल हो गए बॉन्ड जमा किए हुए, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? अब बच्चे बोलते हैं BEd करने कहाँ से करेंगे, सारा पैसा यहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ हम लोगों ने, कहाँ जाएं हम? अब जितने भी मीडिया आते किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं सुना। जी मीडिया वाले हुए आज तक हुए, जी मीडिया वाले इतना दावा करते कि हम सच्चाई का साथ देते हैं, मगर आज तक जी मीडिया ने हमारी PSA वालों का किसी का कोई हल नहीं निकाला, ना न्यूज़ दी पूरे हिमाचल में, पूरा इंडिया, पूरा भारत, कहीं भी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। हमारे लिए कोई मीडिया नहीं लड़ रही है, मीडिया को हम बोलते कि हमारी मदद करो, हम गरीब लोग, हम गरीब एक एक बूंद करके हमने पैसा रखा, अपने बच्चों के लिए रखा है सर, हम भी गरीब लोग हैं, हमने भी दिहाड़ी कमा के 2-2 पैसे बच्चों के लिए रखे, चलो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर आज हम बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। हमारे साथी वो खाने में बुहारों का
के जोर को मैं शुरू करता हूँ, पढ़ाव करता हूँ साथियों, और वही जोर और वही जुनून हर आदमी के अंदर में रहे, यही मैं